नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। आइए रुक करते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। बिहार विधानसभा परिषद चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। एनडीए की तरफ से 6 और महागठबंधन की तरफ से 5 उम्मीदवार मैदान में होंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्दी हो सकता है। सूत्रों की माने तो 14-15 मार्च के आसपास चुनावों की घोषणा संभव है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है और ये अंतिम चरण में है। फिलहाल चुनाव आयोग अधिकारी आम चुनाव की तैयारियों में आकलन करने के लिए कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। शिवरात्रि के खास मौके पर राजस्थान के कोटा में निकाली गई शिव बारात में बड़ा हादसा हो गया। शिव बारात में निकाले जाने के दौरान करंट की चपेट में आने से करीब 15 बच्चे झुलस गए, जिसमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। आनंद फानंद में बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। भारत ने चीन के साथ अपनी विवादित सीमा को मजबूत करने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाई है। सेना ने वेस्टर्न बॉर्डर पर तैनात 10,000 सैनिकों को भारत चीन सेना पर तैनात किया है। हालांकि सेना के अधिकारियों ने इसके बारे में कोई औपचारिक सूचना नहीं दी है। ये जवान उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक लगती चीन की सीमा पर तैनात किए गए हैं। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्लानिंग में जुट गई है। पिछली बार की तरह इस बार भी चुनाव प्रचार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में होगी। 25 मार्च को होली के बाद पीएम मोदी देश भर में तूफानी प्रचार के अभियान में शुरू हो जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी रैलियों और सभाओं के साथ रोड शो भी करेंगे और पब्लिक से सीधे तौर पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के घर ईडी ने छापेमारी की है। इरफान के अलावा उनके दोनों भाई रिजवान और अरशद के घर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की है। बता दें कि सपा विधायक इरफान सोलंकी पिछले 1 साल से जेल में बंद है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी पुलिस वालों को बुधवार को जयपुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 6 दिन की रिमांड पर एसडीओ सौंप दिया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के दौरान वहां मौजूद लोगों ने जमकर हंगामा कर दिया। इसी दौरान लोगों और वकीलों ने आरोपी पुलिस वालों की पिटाई कर दी। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग विवाद पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को अपनी सफाई पेश की, साथ ही किसी तरह के विवाद को हवा ना देने की बात कही। फडणवीस ने कहा कि हमारे गठबंधन के तीनों दलों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, महज 2 या 3 सीटों पर गतिरोध हो रहा है, लेकिन अभी भी चर्चा जारी है, वह सब भी जल्दी सुलझ जाएगा। यूपी सरकार में नए मंत्री बने ओम प्रकाश राजभर ने जब उनके गब्बर वाले बयान को लेकर सवाल पूछा गया तो वे पत्रकार पर ही नाराज हो गए। उन्होंने सवाल पूछने वाले रिपोर्टर को अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का एजेंट बता दिया है। उन्होंने कहा कि गरीबी असमानता और सवाल पर क्यों नहीं पूछते हो, जो उन्हें अखिलेश ने दिया है। एनसीपी शरद चंद्र पवार प्रमुख शरद पवार ने ममता बनर्जी के समर्थन किया है। शरद पवार ने कहा कि मोदी को ममता पर गर्व करना चाहिए कि ममता छोटे से कमरे में रहती हैं और बंगाल का राज्य चलाती हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का बहुत ही साधारण रहन सहन है। गुरुग्राम के स्क्रैप व्यापारी की हरियाणा के रोहतक में गोलियों से भूनकर हत्या की गई थी। इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज का सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि जब व्यापारी गाड़ी में बैठे थे तो और उनका परिवार पीछे से आ रहा था, उसी वक्त उन पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले के दौरान उनकी माँ उनको बचाने के लिए पहुंची थी, लेकिन बदमाशों ने उनके सामने ही व्यापारी को गोलियों से भून दिया। देश के 8.5 लाख बैंक कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी पर मोहर लग गई है। आईबीए और बैंक यूनियनों में इसको लेकर करार हो गया है और लंबे समय से चल रहा बैंक कर्मियों का इंतजार पूरा हो गया है। सरकारी कर्मचारियों का मौजूदा 11वां वेतन एग्रीमेंट 1 नवंबर 2022 को खत्म हो गया था। उसके बाद से ही वेतन बढ़ोतरी पर सहमति बनाने के लिए यूनियनों पर और आरबीआई की बातचीत चल रही थी। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर घेराव किया और नियुक्ति की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना है कि लगातार प्रदर्शन के बावजूद उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। बिग बॉस OTT1 की विनर दिव्या अग्रवाल बॉयफ्रेंड अपूर्व पंडगवार कर शादी के बंधन में बंध गई हैं। उनकी शादी की पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है। दरअसल कपल की मराठी रीति रिवाज से शादी संपन्न हुई है। दोनों की तस्वीरें सामने आने के बाद फैंस और सेलेब बधाई दे रहे हैं। इस बीच उनकी मेहंदी और हल्दी का वीडियो भी काफी पसंद किया जा रहा है। धर्मशाला टेस्ट के दूसरे दिन ही टीम इंडिया ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है।
पहले दिन इंग्लैंड को सिर्फ 218 रनों पर ढेर करने के बाद 135 रन बनाने वाली भारतीय टीम ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 8 विकेट खोकर 473 रन बना लिए। इस तरह भारत को इंग्लैंड पर अभी तक 255 रनों की जबरदस्त बढ़त मिल गई है। ऐसी तमाम और अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 चैनल को। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।